हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। एयरटेल फिर देगा यूजर्स को झटका, महंगे होंगे प्रीपेड प्लान्स, सीईओ ने कर दिया है कंफर्म। जी हां, पिछले साल के अंत में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्रीपेड प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। बीएसएनएल को छोड़कर सभी टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल और वीआई ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीपेड सर्विस की कीमत में इजाफा किया था। जल्द ही एयरटेल यूजर्स को एक और झटका लग सकता है। एयरटेल एक बार फिर से अपने प्रीपेड प्लान्स के दाम बढ़ाने वाला है, इसकी पुष्टि कंपनी के सीईओ गोपाल विट्ठल ने कर दी है। उन्होंने बताया कि एयरटेल साल 2022 में प्राइस हाइक कर सकता है। इस बार कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूज यानी कि ARPU टारगेट 200 रुपए है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल टेलीकॉम रेगुलेटर द्वारा 5G के लिए तय बेस प्राइस से खुशी नहीं है। विट्ठल ने बताया कि इंडस्ट्री को कीमतों में भारी कमी की उम्मीद थी, भले ही इसमें कमी हुई है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और इस मामले में निराशाजनक है। एटीएम से बिना कार्ड के निकाल सकेंगे पैसा, आरबीआई ने लागू किया नया नियम। जी हां, अब आप किसी भी बैंक एटीएम से बिना कार्ड के पैसा निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिना कार्ड के किसी भी एटीएम से पैसे निकालने को लेकर नया नियम जारी किया है। यह सुविधा देश के सभी बैंकों और एटीएम मशीनों में होगी। बता दें कि बैंक के एटीएम से पैसा निकालने के लिए कार्ड की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा 24 घंटे पूरे देश में उपलब्ध रहेगी। यह एक सुरक्षित पैसा निकासी का माध्यम है। इस सिस्टम के जरिए मोबाइल पिन जनरेट करना होगा। कैशलेस कैश विड्रॉ सुविधा में UPI के जरिए ट्रांजेक्शन पूरा होगा। यह सुविधा सिर्फ खुद से पैसा निकालने पर लागू रहेगी। अभी तक सभी बैंकों में यह सुविधा नहीं है, साथ ही ट्रांजेक्शन लिमिट भी रहेगी। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के साथ सेविंग अकाउंट होल्डर्स को यह सुविधा रहेगी। कुछ बैंकों ने इस सुविधा की अनुमति भी दी है। बैंक की तरफ से लगाए गए कार्डलेस एटीएम में जाकर मोबाइल पर रिसीव हुए कोड को बस लिखना होगा। इस तरह की लेन देन की सीमा 5,000 से 10,000 रुपये है। लंदन में बोले राहुल गांधी, कहा भारत अच्छी स्थिति में नहीं, बीजेपी ने पूरे देश में मिट्टी का तेल फैला दिया है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लंदन में कार्यक्रम के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र वैश्विक आबादी के लिए अच्छा है और हमारे ग्रह के केंद्रीय आधार के रूप में काम करता है। बता दें कि उन्होंने आगाह किया कि अगर भारतीय लोकतंत्र में दरार आती है तो इससे हमारे ग्रह के लिए समस्याएं खड़ी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत अच्छी स्थिति में नहीं है, बीजेपी ने पूरे देश में मिट्टी का तेल फैला दिया है। आपको एक चिंगारी चाहिए और हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि यह विपक्ष कांग्रेस की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लोग समुदायों, राज्यों और धर्मों को एक साथ लाती है। उन्होंने कहा कि हमें इस तापमान को ठंडा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर यह तापमान ठंडा नहीं हुआ तो चीजें गलत हो सकती हैं। ब्रिटेन दौरे पर गए राहुल गांधी ने गैर लाभकारी थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा आयोजित आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में एक संवाद के दौरान ये टिप्पणी की है। CNG एक बार फिर से 2 रुपए प्रति किलो महंगी, 6 दिन में दूसरी बार हुई बढ़ोतरी। जी हां, महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक और तगड़ा झटका लगा है। CNG की कीमतें फिर से बढ़ा दी गई हैं। बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस ने दिल्ली में CNG की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए CNG की कीमत 78 रुपए 17 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी गई है। तो वहीं गुरुग्राम में अब इसकी कीमत 83 रुपए 94 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक दिल्ली NCR समेत शहरों के CNG रेट में ये बदलाव किया गया है। तो वहीं मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में CNG गैस की कीमत 82 रुपए 84 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व CM OP चौटाला दोषी करार, 26 मई को सजा पर सुनवाई। जी हां, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्टरूम में मौजूद रहे। अदालत में पूर्व CM की सजा पर 26 मई को बहस होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि CBI ने 26 मार्च 2010 को पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में
चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि ओम प्रकाश चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से अधिक 6.09 करोड़ की संपत्ति जुटाई है। ये उनकी आय से कहीं ज्यादा है। तो वहीं चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता आ रहा है। जीरे में लगेगा महंगाई का तड़का, इस साल 70% तक बढ़ चुके हैं दाम, अभी 25% और हो सकता है महंगा। जी हां, जीरे के दाम आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। जीरे की पैदावार में कमी के बीच एक्सपोर्ट की भारी मांग ने जीरे की कीमतों को पहले इस साल के करीब 70% तक बढ़ा दिया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में जीरा करीब 20-25% तक और महंगा हो सकता है। गुजरात के ऊझा में स्थित देश की सबसे बड़ी जीरा मंडी में बता दें कि गुरुवार को जीरे का हाजिर दाम 195 से 225 रुपए प्रति किलो के रेंज में था, जो कि पिछले साल इस समय करीब 140 से 160 रुपए के आसपास था। तो वहीं सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के बाद रिटेल मार्केट में जीरा रिटेल मार्केट में करीब 275 रुपए से 300 रुपए प्रति किलो के दाम पर बेचा जा रहा है। केजरीवाल सरकार का मजदूरों को तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में किया इजाफा। जी हां, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ते में हालिया बढ़ोतरी के बाद अनस्किल्ड लेबर का मासिक वेतन 16,064 रुपए से बढ़कर 16,506 रुपए कर दिया गया है। सेमी स्किल्ड लेबर की आय भी 17,693 रुपए से बढ़ाकर 18,187 रुपए प्रति महीना कर दी गई है। कुशल कामगारों की सैलरी 19,473 रुपए से बढ़ाकर 20,019 रुपए प्रति महीना कर दी गई है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिहाड़ी मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी पर कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच मजदूर वर्ग के फायदे के लिए उठाया गया यह बड़ा कदम है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अनस्किल्ड लेबर क्लास के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा सुपरवाइजर और क्लर्क लेवल के लिए न्यूनतम वेतन दरों को भी बदला गया है। नॉन मैट्रिक कर्मचारियों के लिए मासिक वेतन 17,693 रुपए से बढ़ाकर 18,187 रुपए किया गया है और मैट्रिक पास कर्मचारियों के लिए 19,473 रुपए से बढ़ाकर 20,019 रुपए कर दिया गया है। ग्रेजुएट और उससे ऊपर वाले लोगों के लिए मासिक वेतन 21,184 रुपए से बढ़ाकर 21,756 रुपए कर दिया गया है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा खबरदार जो देश के खिलाफ एक भी शब्द कहा, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस छिड़कती है। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी जी लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेमिनार में जाते हैं, वहां जाकर देश की छवि को धूमिल करते हैं। ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की। वो मोदी जी से नफरत करते करते भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं। एक हताश कांग्रेस और उसके विफल नेता राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, सिंगापुर हो, उनके वक्तव्य कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 1984 से लेकर अब तक देश में आग लगाने, सौहार्द बिगाड़ने में लगी हुई है। गौरव भाटिया ने कहा कि लंदन में राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का है। राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। जेट एयरवेज के विमान दोबारा हवा में भरेंगे उड़ान, डीजीसीए से मिल गई इसकी मंजूरी। जी हां, जेट एयरवेज के विमान जल्द ही दोबारा हवा में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जेट एयरवेज को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया है। इस परमिट के मिलने के बाद एयरलाइन के लिए दोबारा अपनी उड़ानें शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि जेट एयरवेज का मालिकाना हक पहले नरेश गोयल के पास था, हालांकि कंपनी पर कर्ज बढ़ने और बकाया भुगतान में नाकाम रहने पर 17 अप्रैल 2019 को जेट एयरवेज को अपना कामकाज रोकना पड़ गया था। बाद में एक रिजोल्यूशन प्रक्रिया के जरिए पिछले साल कंपनी को जालान कलरॉक कंसोर्टियम ने खरीदा, जिसके बाद से ही वह एयरलाइन को दोबारा शुरू करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। जेट एयरवेज जुलाई सितंबर तिमाही में फिर से अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर सकती है। डीजीसीए के अधिकारियों के साथ एयरलाइन ने 15 और 17 मई को परीक्षण के तौर पर 5 उड़ानों को सफलतापूर्वक ऑपरेट किया था। कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में 33% पोस्ट महिला कर्मचारियों के लिए की रिजर्व। जी हां, कर्नाटक सरकार ने सभी विभागों में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। एक सर्कुलर में राज्य सरकार ने ये संकेत दिया है कि महिला आउटसोर्स की गई नौकरियों में उतना ही अच्छा काम कर सकती हैं। अभी कर्नाटक राज्य में 4.6 लाख कर्मचारियों के साथ 7.2 लाख स्वीकृत पोस्ट पर लगभग 1.5 लाख आउटसोर्स
कर्मचारी हैं। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक अब महिला कर्मचारियों के लिए 50,000 पद रिजर्व होंगे। बता दें कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार डाटा एंट्री ऑपरेटरों, हाउसकीपिंग स्टाफ और अन्य ग्रुप डी कर्मचारियों और ड्राइवरों की भर्ती करती है। सर्कुलर में कहा गया है कि आउटसोर्स वाली नौकरियों में भी महिलाएं समान रूप से अच्छा काम कर सकती हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सभी सरकारी नौकरियों और सेवाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। WHO ने 11 देशों में 80 मामलों की पुष्टि की, कहा बढ़ सकते हैं मंकी पॉक्स के मामले। जी हां, बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 देशों में मंकी पॉक्स के 80 मामलों की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके फैलने के कारण का पता लगाने के लिए हम काम कर रहे हैं। बता दें कि एक बयान में WHO ने कहा कि वायरस कई देशों में कुछ जानवरों की आबादी में स्थानीय है और जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों और यात्रियों में कभी कभार इसका असर देखने को मिल जाता है। WHO ने एक बयान में कहा कि हम और हमारे सहयोगी मंकी पॉक्स के फैलने की सीमा और इसके फैलने के पीछे के कारण को समझने के लिए काम कर रहे हैं। कई देशों में कुछ जानवरों की आबादी में वायरस स्थानिक है, जिससे कि स्थानीय लोगों और यात्रियों के बीच कभी कभी इसका असर देखने को मिल जाता है। 11 देशों में अब तक रिपोर्ट किए गए हालिया मामले असामान्य हैं, क्योंकि वो गैर स्थानिक देशों में हो रहे हैं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मेघालय, असम के पश्चिमी हिस्सों, सिक्किम, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिमी हिमालय, लक्षद्वीप और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आज का सुविचार, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।